पतंग बनाने के लिए हम सबसे पहले दो कोई भी कलरफुल पेपर लेंगे, झाड़ू की दो झाड़ू की सींक, गोटा, स्केच पेन, कैंची, फेविकोल, ये सामान लेंगे। और सबसे पहले हम पेपर को लेंगे और पेपर को इस तरीके से मोड़ लेंगे, ये बिल्कुल सही से मोड़ना चाहिए। और ये बाकी का बचा पेपर हटा देंगे, काट देंगे इसको। ये मैंने पेपर की कटिंग की है और ये झाड़ू की सीख जो ली थी मैंने उसके ऊपर मैंने इसको गोटे को लगाया हुआ है, गोटा लपेट लिया मैंने। अब इसको हम ऐसे करके इसके ऊपर चिपकाएंगे। ये मैंने इसको चिपका दिया है। अब दूसरी वाली सीख लेंगे और उसको भी इस तरीके से लगाएंगे। और कौन, ये मैंने दोनों सीखे चिपका दिए हैं, बीच में से इसको गोटे से बांध दिया है। दूसरा वाला पेपर लेंगे, उसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इतना करके इसको इतना हिस्सा इसका काट लेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से मोड़ देंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे इस तरीके से। ये हिस्सा कट गया और अभी से हम इसकी इस तरीके से यहाँ पे लगाएंगे पतंग पे। ऐसे करके इसको चिपका देंगे। अब हम इसकी डेकोरेशन करेंगे, इसकी आंख बनाएंगे। ब्लैक स्केच पेन लेंगे, हटा दो। ये मैंने इसकी आंखें बना दी हैं। ये मैंने इसका आंख नाक मुंह बना लिया है। अब हम साइड में थोड़ा गोटा लगाएंगे डेकोरेशन के लिए। आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले फेविकोल लगाएंगे, इस तरीके से गोटा लगाएंगे इसके साइडों में। ये बच्चों मैंने गोटा लगा लिया है। अब मैंने कुछ पेपर के फूल बनाए हुए हैं और फूलों को लगाएंगे इस तरीके से, फूल सेट कर देंगे। ये शीशे, गोल शीशे लगा देंगे। ये बच्चों हम इस तरीके से डेकोरेशन कर लेंगे। आप अपनी मर्जी से कैसे भी डेकोरेशन कर सकते हैं। और इसके इस तरीके से हम इसके बाल बनाएंगे,
डेकोरेशन करेंगे इसके अच्छे से। आप अपनी मर्जी से कोई भी अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं।